आपकी सरकार 15 साल से भ्रष्टाचार दूर कर रही है, बढ़िया भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है, आखिर क्यों? ये देखिए, भ्रष्टाचार तो दूर सरकार कर ही रही है, कम क्यों नहीं? भ्रष्टाचार पर सरकार काम। बाबा, जो कि गेहूं का खरीदारी बिक्री अभी बढ़िया में नहीं शुरू हुआ है, आखिर आपकी सरकार बिहार में और आप किस तरीके से इस पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है, और सरकार जो है निश्चित रूप से काम कर रही है आम जनमानस के लिए। और सरकार ने यह तय किया है कि व्यापार मंडल और चयनित पैक्स राज्य में गेहूं की खरीदारी करेंगी, और गेहूं का रेट निर्धारित हुआ है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन सरकार का रेट तय हो गया है, सरकार की चिट्ठी भी आ गया है, पटना से चिट्ठी ज़िला में आया, ज़िला से चिट्ठी प्रखंड को आया, लेकिन बरहड़िया में जो है किसान परेशान है। 3-4 दिन से हमारे पार्टी के नेता हैं उमा शंकर शाह जी, सुंदरी की जो किसान हैं, भलुआ के अरुण कुमार सिंह जी जो अधिवक्ता हैं, अनेकों किसान फ़ोन किए या मेरे पास आए, तो हम जो है पता कि इसमें क्या समस्या है। तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि BCO साहब अभी नहीं हैं, आएंगे तो, चूँकि व्यापार मंडल के प्रबंधक BCO होते हैं, आएंगे तो खरीदारी शुरू होगा। मैंने लगातार मॉनिटरिंग किया, खरीदारी शुरू नहीं हुआ। तो किसानों की समस्या को देखते हुए, चूँकि लॉकडाउन का समय है और किसान वही दंश झेल रहे हैं, प्राकृतिक आपदा का कोरोना आपदा है, या कब पानी आया, तूफान आया, उसमें गेहूं पैदावार हुआ है, जो गेहूं उपज हुआ है उसे किसान जो है अपने घर में ले गए हैं, अपने बचत के हिसाब से निकाल कर बाकी बेचेंगे ताकि कुछ पैसा रुपया आ जाए उनके पास। तो वैसी स्थिति में किसान परेशान है। तो आज हमने माननीय मंत्री सहकारिता श्री सुभाष सिंह जी से हमारी मोबाइल फ़ोन से बात हुई, और मैंने उनके व्हाट्सएप पर अपना पत्र भी डाल दिया। माननीय मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी से बात की, और हमको बोले कि आप बात कीजिए। हमने भी जिला सहकारिता पदाधिकारी से बात की फ़ोन पर, और उनको व्हाट्सएप पर मैंने पत्र डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, BCO हैं और खरीदारी शुरू होगी, आप बात कीजिए। लेकिन BCO का मोबाइल बंद है, लगातार मोबाइल बंद है, अब वो कहाँ हैं यह ना बढ़िया किसान को पता है और ना मुझे पता है कि BCO साहब आखिर हैं कहाँ। निश्चित रूप से हम यह कहेंगे कि हमारी सरकार जो है काफ़ी प्रयास कर रही है आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, और जिला स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं, प्रखंड स्तर पर BDO CEO को छोड़ दिया जाए तो उनके जो निचले अधिकारी हैं पता ना कहाँ गायब हैं। श्रीमानी मनरेगा के PO गायब हैं, पंचायत CEO फरार हैं, मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, BCO गायब है, किसानों को गेहूँ नहीं खरीदा रहा है, पता नहीं किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, सरकार की बदनाम करने की इनको साजिश इनका तो नहीं है, जो भी मंशा हो। तो इसलिए हमने आज माननीय मंत्री से बात किया है, किसानों के हित के लिए किसानों की आवाज़ उठाई है, और आशा विश्वास है कि निश्चित बढ़िया में फिर से जो है जांच इसका होगा, और निश्चित किसानों के गेहूं खरीदारी जल्द शुरू हो जाएगी। लगातार आप चिट्ठी भी लिख रहे हैं और बिहार की सरकार का गाइडलाइन भी आ रहा है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं लगातार आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि फरार है, नहीं काम कर रहे हैं, लापरवाही है, तो फिर इनको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अभी कोरोना काल दंडित क्यों नहीं कर रही है? अभी कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी है, सभी से त्रस्त हैं, अधिकारी भी अपनी जान हथेली पर रख कर काम कर रहे हैं, नियंत्रण गति से काम कर रहे हैं, और जो लापरवाह अधिकारी हैं तो निश्चित उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हमारी बख्शने वाली नहीं है, हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है, लोगों हम पे विश्वास है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, मंत्री तक पहुंचाएंगे। तो माननीय मंत्री तक मैं बात पहुंचाया है, निश्चित उससे कार्रवाई होगी, नहीं होने की कोई सवाल नहीं है। किसानों के हित का जो खिलवाड़ करेगा, किसानों की समस्या से जो खिलवाड़ करेगा, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपकी सरकार 15 साल से भ्रष्टाचार दूर कर रही है, बढ़िया भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है, आखिर क्यों? यह देखिए, भ्रष्टाचार तो दूर सरकार कर ही रही है, कम क्यों नहीं? भ्रष्टाचार पर सरकार काम भी कर रही है, भ्रष्टाचारी पकड़ा भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन बरहड़िया में हम देख रहे हैं आए दिन इधर कुछ जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, वो वास्तव में लापरवाह हो गए हैं, और उस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। तो हम लोग बात सरकार के माननीय मंत्री तक पहुँचा दिए हैं, अब देखिए क्या होता है, कहाँ तक उन पर अंकुश लगती है, या क्या मजरा है, आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं, सरकार की चिट्ठी को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए आने वाले दिनों में पता चलेगा। निचले स्तर के पदाधिकारी फरार हैं आप कह रहे हैं, फिर ऊपर स्तर के जो पदाधिकारी हैं
वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए कोरोना काल में सभी लगे हुए हैं। आपका सुनिए पहले, आपका सांसद है, आपका सरकार है, आपका केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, सिवान में आपके एनडीए की सांसद हैं, फिर भी ये लापरवाह हैं और भाग रहे हैं, फरार हो गए हैं, लगातार न्यूज में, पेपर में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आ रहा है न्यूज में, फिर कार्रवाई क्यों नहीं, दंडित क्यों नहीं? कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, जाँच होगी, क्योंकि कोरोना काल में अधिकारी सभी व्यस्त हैं, लोगों को जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए जांच की अभी विलंब हो सकती है, लेकिन जो समस्या है उस पर तुरंत निदान हो रहा है, गेहूं खरीदारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद निश्चित रूप से बीसीयू पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपका परिचय? अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री, भाजपा सिवान, सांसद प्रतिनिधि सिवान।